वो छोटा सा बच्चा नौरतन जो न जाने कितने जद्दोजहद के बाद, न जाने कितने साल की मेहनत के बाद अखिलेश यादव से मिल पाया था, वो एक बार भी नहीं बोला कि मुझे घर चाहिए, मुझे 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 क्या बोलते हैं गैस चाहिए, मेरी माँ आज भी चूल्हे पे खाना बनाती है। पुराना मिट्टी का घर है, बहुत पुराने ये चारों भाई इसी में रहते थे। फिलहाल ये बरसात की वजह से साल दो साल पहले से जो है गिरा हुआ है और माली हालत इनकी बहुत खराब है। रहते हैं इधर ही? हाँ इधर ही रहते हैं। ये देखिए पूरा कपड़ा है, सब सामान है। और फ्रेम में आपको वो जो दिख रही है औरत, वो नौरतन की मम्मी है। ले आओ ले आओ यही हमारे घर हो। तो अब कहाँ रहने लगी? अब बड़े पापा के यहाँ। हाँ देखिए लालटेन में शीशा तक नहीं है, लेकिन वो बच्चा जब उसके पास मौका था कि वो कुछ भी मांग सकता था, एक बहुत बड़े नेता के पास पहुंचा था जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, जो जो मान रखते हुए कि ताकि लालच ना पैदा हो जाए, इसके लिए कुछ एक, बोला एक चुटकी बजा के ना वो यहाँ पर अच्छा घर मांग सकता था, लेकिन उस बच्चे ने नहीं मांगा। आप ये बात समझिए, माता पिता चारपाई पे जिंदगी काट रहे हैं और काहे नहीं मांगे नेताजी से घर। अब देखिए उतना जूठी में है, जैसे हमारे बलतारा जी हैं, ये हमारे भाई है, वो हमारी बहन जैसे यहाँ पे छोटी हमारी हाँ देती है। अब यहाँ पे जल दिला है तभी जल्दी छता है, दी छोड़ सकता है। ये खपड़ा वाला जो घर है ये पूरा छवाया हुआ था, पूरा गिर गया है, खुले आसमान का घर। वो समझिए वो बेटा जो सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है, आज बना हुआ है, एक महीने बाद शायद ही नौरतन को कोई जाने, जब फिर लोकसभा चुनाव आएगा तब फिर हल्ला होगा कि एक बच्चा है जो जो सपा का नाम लेकर ऐसे ऐसे रैली करता है, ये करता है वो करता है। लेकिन अभी देखिए परिवार कितने दिक्कत में है, परिवार इतने अभाव में है, पूरा पूरा घर गिर चुका है, घर ही नहीं है, घर ही नहीं है। हाँ घर ही नहीं है। और अभी ये लोग अपने बंजारे जैसा जिंदगी है। इस बच्चे के पास मौका था, कहाँ गया? उस बच्चे के पास मौका था कि वो कुछ भी मांग सकता था, नहीं। ये तो घर के हालात हैं, गांव के भी हालात भी इसी तरह से मिलते जुलते हैं। तो मीडिया के आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बात अगर पहुंचे वहां तक कुछ उस पे। वो देखिए वो घर दिखा रहा है। हम आपकी बात कंटिन्यू करेंगे अभी। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, हम चप्पल पहन के आ जाएं? अरे तो जी तो नहीं, खाना बन रहा है। देखिए इधर और हमारा यहाँ पे पूजन होता है। अरे ये हमारे बलतारा घर है। देखिए वो दिखाओ, वो पीछे से पूरा मकान गिर गया। अब बताइए, अब हम क्या बताएं? तुम इतना प्रचार करते हो साइकिल ले लेके, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद का नारा लगाते हो। हमारे इतने चियारे इतना दूसरी में है, हम उनके और दूसरी में नहीं चल सकते हैं, इसीलिए हम टूर नहीं माने। इसीलिए जी फिर मौका मिलेगा तो बोलोगे? नहीं 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 बोलोगे। बोलोगे नहीं भैया? उनका छुट्टी और जिंदा उनका खुशी होगा तो देखिए हमें ये पता है कि हमारे वीडियोस को आप बहुत पसंद करते हैं, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो कोई सपा का नेता या कोई सपा समर्थक देख रहा हो तो ये वीडियो देखिए। आपका चैनल जब चलेगा तो वैसे पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा क्या क्या है, घर कैसा है, रोड कैसा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जो छोटा सा बच्चा है जो नहीं बोल पाया अपने भैया से, अपनी दिल की बात नहीं कर पाया, आप इस वीडियो को शेयर करके वहाँ तक पहुँचाइए और बताइए कि वो बच्चा जो पता नहीं कितने साल की मन्नतें रही कि वो अखिलेश यादव के सामने बैठे, वो बैठ लिया, इसकी इसका शौक तो पूरा हो गया। लेकिन वो माँ बाप जो एक 9 साल के बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े को दूर जाते देखते हैं, 2-3 बजे तक ये स्टार प्रचारक बन के अपने गांव में एक पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाता है, उसी पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि साहब थोड़ा बच्चे के लिए कुछ करिए। देखिए ये बच्चा कुछ नहीं चाहता है, ये तो आप जानते ही हैं कि आपके सामने बैठ कर जब इस बच्चे ने मुँह नहीं खोला, ना अपने गाँव ना अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बोला, उस माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं बोला जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है। लेकिन ये सब लोग सोते हैं पल्ली तान के, देख लीजिए आपके सामने कुछ नहीं चाहिए हमारे लड़का के पढ़ा लिखा के,
कुछ लायक कह दे हाँ, तो हाँ, के कुछ बना दे ताकि हाँ, इनका भी कुछ हो जाए, घर द्वार कुछ है, ऐसा अभी इन लोगों के पास कमाने का भी वो नहीं है। क्या करते हैं, भैंस बस पालते हैं, भैंस हमारे भैंसियों नहीं ना अपन ऐसा खेती की रहती जो करते हैं कर ले और सबके हमारे पार्टी पाटीदार पैसा मिलता है, दूध दूह करके जो है घर का खर्चा चलाते हैं पार्टे। देखिए हमारी प्रार्थना होगी आप सभी लोगों से कि वो बच्चा जो छोटा सा बच्चा अपने नेता से कुछ नहीं कह पाया, ठीक है वो नहीं कह पाया, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां रही होंगी, उलझन रहा होगा या ये रहा होगा कि नेता जी नहीं रहे, अब बेटे से क्या ही मांगे, बेटे खुद ही दुखी दुखी हैं, बेटे परेशान हैं, तो अपने मुंह से हम क्या बोलें, कहीं वो ये ना समझे कि हम लालची हैं, पैसे के लालच में नहीं गया है, पैसे के लालच में नहीं गया ना, अपना ये दुख बताया है। सही बात है, वो बच्चा जिसके पास घर नहीं था, जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, दो जून की रोटी की व्यवस्था नहीं थी, वो बच्चा जब एक बड़े नेता के सामने बैठता है तो जब उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या चाहते हो, पैसा चाहते हो, घर चाहते हो, क्या चाहते हो, तो बच्चा सिर्फ आशीर्वाद मांग कर चला आया, वो नहीं बोला कि मेरे घर घर नहीं है, बरसात में हम पल्ली टांग कर रहते हैं, सर्द में ठिठुर कर बैठ जाते हैं, इस बात की चिंता होती है कि सुबह कब होगा, ठंड कब कम पड़ेगी, ये सारी बातें इस बच्चे ने उनसे नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं वो ये ना समझे कि अपनी गरीबी दिखा के मदद मांगने आया। सही है, सही है ना? आप सही बता रहे हैं, कहने का मतलब यही था। ये चारपाई है सामने, देख लीजिए आप, सामने चारपाई लगी पड़ी है पल्ली पल्ली के अंदर। देखिए मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इस 9 साल के बच्चे के अंदर इतना बुद्धि कहाँ से आया, इतना समझदार ये कैसे बन गया। हम अभी इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हम कभी भी अपने किसी भगवान के सामने जाते हैं तो मतलब मन्नतों की एक लड़ी पहुंचा देते हैं कि हमें ये दे दीजिए भगवान, ये घर दे दीजिए, ये गाड़ी दे दीजिए, ये हम हमेशा मांगते हैं अपने इष्ट देवता से। इनके लिए इनके देवता इनके प्रिय जो है नेताजी हैं, क्योंकि इनको सपना भी उन्हीं का आता है। मांगने भी नहीं गया था कि नेताजी हमको धन दौलत दो, तो बोला क्यों नहीं चाचा जी? देखिए हम अपने भगवान से मांगते हैं ना, तो इसके लिए जब वही है सपना भी उन्हीं का देखते हैं, करना भी उन्हीं, क्यों नहीं बोला कि ये सपना पैसे के लिए नहीं गया था, केवल इसका शौक था कि नेताजी हमारे नहीं हैं और हम जो है जाके उनसे मुलाकात नहीं हुआ और उसके बाद रास्ते में भी भटकते अपना चले आया। देखिए आप नवरत्न के बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा, गांव तक विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, घर अभी भी टूटा फूटा है, सड़क एकदम टूटी फूटी है, योजनाओं के नाम पर सिर्फ इतना है कि आप गांव को सिर्फ गूगल सर्च करके इस बच्चे को जान सकते हैं, सिर्फ इतना ही है। आने के बारे में जैसे मैं कई बार भटक भटक के यहाँ पहुँची हूँ, वैसे ही आप भी भटकेंगे, लेकिन बच्चे को देख कर ये सुकून मिलता है कि देश आगे जाएगा, लग रहा है ऐसा।